बताऊंगी हाजमे के लिए, क्योंकि आजकल बड़ी ईद के दिन चल रहे हैं पाकिस्तान में और लोग आपको पता है बहुत ज्यादा गोश्त खा लेते हैं और फिर उनको दिक्कत होती है उसको हजम करने में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। 2 कप पानी ले लें, 2.5 कप आप पानी ले लें, ये 2 कप की रेसिपी है। और 1 टीस्पून आपने सौंफ लेनी है, अजवाइन, दो से तीन छोटी इलायची ले लें आप, उसको खोल के डाल दें। कावा हमें पसंद नहीं और हम इसी तरीके से पीते हैं। और मिंट भी जो यहाँ से मिलता है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान जैसा मिंट नहीं है, उसका टेस्ट बिल्कुल अजीब सा, इसलिए हम वो यूज नहीं करते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ हमें नहीं मिलती और हमारा खाना ऐसे फील होता है अधूरा अधूरा सा। लेकिन आप जब भी डालें तो आपने पुदीने के पत्ते भी इसमें डालने हैं 2 टहनियाँ, और जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। चलिए अब हम इसको पकने देते हैं, जब ये 2.5 कप से 2 कप रह जाएगा तो हम फ्लेम बंद कर देंगे। कहवा हमारा तैयार हो गया, 15 से 20 मिनट हमने इसको पकाया, सारा चीजों का सब चीजों का अर्क निकल आया। अब आप इसको छान के लेमन जूस डाल के पी लें। हमारा तैयार है पाकिस्तान वालों, गोश्त खाना पेट भर के और बाद में ये कावा पीना और समीरा को दुआएं देना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे पसंद करें और हमेशा मुझे देखते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।